नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं इस एक्सेल की पावरफुल वीडियो के अंतर्गत। तो इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताया जाएगा एमएस एक्सेल के ए टू जेड शॉर्टकट की, यानी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि जो अल्फाबेट कैरेक्टर ए से जेड तक होते हैं उन सभी शॉर्टकट की का यूज किस तरीके से किया जा सकता है। तो सबसे पहला शॉर्टकट की है मेरा कंट्रोल प्लस ए का, जो यूज किस लिए किया जाता है, पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के लिए या तो पूरे एक्सेल शीट को ही सिलेक्ट करने के लिए। तो मुझे क्या करना है, डेटा रेंज में कहीं भी क्लिक कर लेना है और प्रेस करना है कंट्रोल के साथ ए बटन, तो मेरा पूरा डेटा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर पूरे शीट को सिलेक्ट करना है तो एक बार और कंट्रोल के साथ ए कर दीजिएगा तो पूरा एक्सेल शीट ही आपका सिलेक्ट हो जाएगा। या डेटा रेंज के बाहर क्लिक करके कंट्रोल ए करिएगा तो एक ही बार में आपकी टोटल वर्कशीट यानी वर्क एरिया क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। दूसरा मेरा शॉर्टकट की है बी का, तो बी का मतलब क्या होता है, बोल्ड, यानी कंट्रोल बी करना है तो बोल्ड कर सकते हैं। जैसे मान ली कोई डेटा मैंने तैयार किया हुआ है, ये हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, अगर मैं कंट्रोल बी करता हूं तो ये ऑलरेडी टेक्स्ट बोल्ड किया गया था, और कंट्रोल बी दोबारा प्रेस करूंगा तो ये पुनः क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। तो जैसे कोई हेडिंग्स के तौर पर डेटा हम तैयार करते हैं तो उसमें उस टेक्स्ट को हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी, जिसका यूज किस लिए होता है, डेटा का डुप्लीकेट तैयार करने के लिए यानी कॉपी करने के लिए। जैसे मेरा ये डेटा है और इस डेटा को मैंने क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया यहाँ सैलरी तक, उसके बाद मैंने कंट्रोल सी कर लिया तो ये डेटा देखिए राउंड राउंड होने लगा है, यानी कॉपी हो चुका है। अब जहां भी इस डेटा का डुप्लीकेट तैयार करना हो वहां पे जाएंगे और कंट्रोल के साथ भी कर देंगे तो देख सकते हैं सेम डेटा का डुप्लीकेट तैयार होकर आ चुका है। दूसरा मेरा शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी का मतलब होता है डाउनफिल। डाउनफिल का मतलब कोई भी चीज आपने लिखा हुआ है और सेम वही आप डाउनफिल करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने क्या लगाया हुआ है, फॉर्मूला लगाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाया गया है, और यही सेम फॉर्मूला आप डाउनफिल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ये ऑलरेडी डाउनफिल करके रखा गया, इसको मैंने हटा दिया। अब इस पे मैं क्लिक करूंगा और पूरा रेंज सेलेक्ट कर लूंगा और कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस कर देंगे तो सभी में उसी का डुप्लीकेट यानी फॉर्मूला का डुप्लीकेट होता चला जाएगा और डेटा आपका कैलकुलेट होकर चला आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि हम वही चीज टाइप करें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिए पीएनबी बैंक और मैं ये चाहता हूँ कि ये डाउन साइड फील हो जाए यहाँ तक, कुछ नहीं करना, सेलेक्ट करना, कंट्रोल डी कर देना, तो आपको कई बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कई बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंट्रोल डी करके उसको डाउन फील किया जा सकता है। अगला मेरा शॉर्टकट की है फ्लैश फिल का, जो काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन होता है और काफी इंटरेस्टिंग ये शॉर्टकट की होती है। फ्लैश फिल का यूज करके हम अपने डेटा को कम से कम समय में तैयार कर पाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डेटा है इस फॉर्मेट में लिख कर रख गया है और आपसे ये बोला जाता है कि इसमें एम्प्लाई नेम अलग मुझे चाहिए, एम्प्लाई आई डी अलग चाहिए, तो उसके लिए आपको बारी बारी से लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें पहला आपको कॉमन क्या करना, अलग कॉलम में क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना ई एम बी और यहाँ पे डॉट आई डी टाइप कर लेना है, और ये करने के बाद क्या करना है, आपको दूसरे सेल में क्लिक करना है, फिर इस पे क्लिक कर देना है, कंट्रोल बटन के साथ ई बटन प्रेस करिए, देखिए डाउन फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, इसमें क्या लिखा गया ई कैपिटल है तो ई एम पी और यहाँ पे डॉट मैंने कर दिया, फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया आई डी और फिर मैंने कर दिया इंटर। दोबारा कंट्रोल ई करके चेक करते हैं तो फिर एरर आ रहा है क्योंकि पैटर्न मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मैच कर रहा, तो उसकी भी रीजन है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहां से कर लेते हैं। पहला आईडी क्या है, ES101 है, ठीक है, ये करने के बाद इंटर कर दीजिएगा और इस पर क्लिक करिएगा, कंट्रोल के साथ ई कर दीजिएगा, देखिए डाउनफिल होकर आ चुका है। दूसरा पैटर्न मेरा क्या है, राहुल का है, तो यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया राहुल, और राहुल टाइप करने के बाद फिर क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ ई कर देंगे तो ये पूरा फिल होकर आ जाएगा। अगला मेरा क्या है, मैनेजर है, तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा मैनेजर, और मैनेजर टाइप करने के बाद दोबारा कंट्रोल के साथ ई कर दूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फिल होकर आ चुका है। बचा था क्या, यहाँ पे हेडिंग्स बचा था, तो यहाँ पे दोबारा हम टाइप कर लेंगे ई एम पी और डॉट करके आईडी कर देंगे, तो वहां पे डॉट की वजह से ये हो नहीं पा रहा था। तो देख सकते हैं कम से कम समय में अपने डेटा को जो है एक ही साथ
यूज में लाया जा सकता है। अगर यहाँ से आप नहीं करना चाहते थे तो इतना लंबा प्रोसेस अपनाने की भी जरूरत नहीं है, उसका भी एक तरीका है। इस डेटा को पूरा कर लीजिएगा सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद चले जाइएगा डेटा टैब में। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट टू कॉलम का, इस पे क्लिक करिएगा, डिलिमिटेड दिखाएगा और इस पे आप कर दीजिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए किससे ये सेपरेट किया गया है, तो ये क्या है, कॉमा से किया गया है, तो कॉमा पे चेक मार्क लगाइएगा, बाकी सबका हटा दीजिएगा और इसके बाद नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट करने के बाद फिनिश कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं सब अलग अलग हो चुका है, तो इससे ज्यादा आसान और कुछ नहीं हो सकता है। ऑटोमेटिक ये एडजस्ट कर लीजिएगा तो कम से कम समय में आपका डेटा जो है तैयार होकर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। तो नेक्स्ट ट्रिक मेरा क्या है, फाइंड ऑप्शन है। तो फाइंड ऑप्शन का यूज करके हम अपने एक्सेल शीट में क्या चीज कहाँ पे लिखा गया उसको हम फाइंड कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ एफ बटन प्रेस करिएगा तो यहाँ पे फाइंड बॉक्स आएगा। आप देखना चाहते हैं कि इसमें राहुल व्यक्ति कहाँ पे लिखा गया, तो राहुल मैंने टाइप किया और फाइंड नेक्स्ट कर दिया, तो जहां भी राहुल रहेगा वो सेल सिलेक्ट होकर आ जाता है। तो ये फाइंड ऑप्शन का और शॉर्टकट की का इस तरीके से यूज किया जा सकता है। ये मेरा शॉर्टकट था। अगर मैं ऑप्शन का यूज करता हूँ तो यहाँ पे लास्ट में जाएंगे होम टाइम में, फाइंड एंड सिलेक्ट ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे पूछेगा आप किसको फाइंड करना चाहते हैं। अगर मैं फॉर्मूला पे क्लिक कर दिया तो एक्सेल शीट में जहां भी फॉर्मूला लगाया गया रहेगा उस एरिया को ये हाईलाइट करके बता देगा, जिससे आपको तुरंत कंफर्म हो जाता है कि किस एरिया में फॉर्मूला का यूज किया गया है। तो आपको एक एक करके ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरा अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जी का। तो कंट्रोल प्लस जी का मतलब होता है गो टू, यानी आप कहाँ पे जाना चाहते हैं। हमने कंट्रोल जी किया तो यहाँ पे गो टू बॉक्स आएगा, यहाँ पे स्पेशल पे क्लिक करिएगा, ये पूछेगा आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो हम कह दिए कमेंट पे, अगर मैंने ओके कर दिया तो कमेंट पे जाएगा। अगर कॉन्स्टेंट पे क्लिक किया तो कॉन्स्टेंट पे ये पूछेगा कहाँ पे, तो मैंने कह दिया कि केवल मुझे कहाँ जाना है, नंबर के पास जाना। सबका चेक मार्क हटा के मैंने कर दिया ओके। तो देखिए जो नंबर लिखा गया रहेगा वहीं पे ये जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। यानी देखिए ये सिलेक्टेड है तो ये मेरा नंबर है, ये सब नंबर नहीं, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला का यूज किया गया है इसलिए नंबर के रूप में काम नहीं कर रहा है। तो नंबर वही होगा जिसको डायरेक्टली टाइप किया गया रहता है। अगर फॉर्मूला का यूज कर लेंगे तो नंबर के रूप में नहीं आएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नंबर को सोर्स कर सकते हैं या किसी भी चीज को आप ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं। अगला और शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच। तो कंट्रोल प्लस एच से होता है रिप्लेस। रिप्लेस करने के लिए आपको प्रेस करना कंट्रोल एच। यहाँ पे मान लीजिए राहुल मैंने लिखा और राहुल की जगह पर मैं क्या करना चाहता हूँ और राम करना चाहता हूँ, तो मैंने राम लिख लिया और रिप्लेस ऑल कर दिया। इस डॉक्यूमेंट में दो जगह पर राहुल था, रिप्लेसमेंट टू कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं पहले यहाँ पे राहुल था, राम आ गया है। अगला होता है टैली का शॉर्टकट की, यानी कंट्रोल आई करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, लिखा हुआ टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। कंट्रोल आई मैंने किया तो देख सकते हैं सिलेक्ट करने के बाद ये टेक्स्ट थोड़ा सा रोटेट हो चुका है। तो कंट्रोल आई से क्या होता है, इटैलिक होता है। फिर अगला शॉर्टकट की है मेरा कंट्रोल प्लस के का। तो कंट्रोल प्लस के से क्या होता है, हम हाइपरलिंक का यूज कर सकते हैं। यानी कोई टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को लिंक के रूप में बदलना चाहते हैं तो आसानी से बदल सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट आप सेलेक्ट करके रखे हुए हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डेटा नाम मैंने दे दिया और इसको मैंने सेलेक्ट करके कंट्रोल के बटन प्रेस कर दिया। यहाँ पे पूछेगा किस डेटा का आप लिंक बनाना चाहते हैं, तो कोई भी डेटा मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। यही मान लीजिए अटेंडेंस सीट वाले नाम का डेटा जो है मैंने सेलेक्ट किया और कर दिया मैंने ओके। तो देखिए लिंक के फॉर्मेट में चेंज हो गया है। अगर मैं इस पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो जो मैंने डेटा लिंक किया हुआ है वही ओपन होकर आएगा, बाकी कोई चीज ओपन होकर नहीं आएगी। तो देख सकते हैं ये ओपन होने लगा है। तो मेरा एक्सेल शीट का जो अटेंडेंस शीट डेटा बनाया गया है वो ये लिंक किया गया था, वही चीज ओपन होकर आ चुका है। तो शायद हाइपरलिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्या है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस एल का है। तो कंट्रोल प्लस एल का मतलब क्या होता है, हम किसी डेटा का और टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एल का यूज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए इस डेटा का मुझे टेबल बनाना है, ठीक है। इस डेटा को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ एल बटन प्रेस कर देंगे, ये रेंज पूरा सिलेक्टेड है, आप कर दीजिएगा ओके। ओके करने के बाद देखिए ये डेटा मेरा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर आ चुका है। यहाँ पे देखिए सारा चीज टेबल में फिल्टर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है। और इसकी खासियत ये होती है कि इसमें जब भी हम डेटा ऐड करेंगे ना, जैसे मान लीजिए ES मैंने लिखा 109, ये ऑटोमेटिक आगे उसी फॉर्मेट में बढ़ता चला जाएगा और टोटल भी होती चली जाएगी जो भी मैंने यहाँ पे वैल्यू टाइप किया, सॉरी
यहाँ पे मैंने क्लिक किया और वैल्यू टाइप कर दिया, यहाँ पे मैंने कोई दिन टाइप कर दिया, और टाइप करने में जो ही इंटर करेंगे मेरा वैल्यू जो है कैलकुलेट करके आ जाता है। एक और तरीका होता है टेबल बनाने का, तो कंट्रोल के साथ एल भी कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ टी बटन भी प्रेस करेंगे आपका टेबल बनकर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं टेबल क्रिएट कर सकता हूँ एक नॉर्मल डेटा का। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन। तो कंट्रोल प्लस एन से ये होता है कि इस एक्सेल शीट पे मैं कार्य कर रहा हूँ और मुझे न्यू वर्कशीट की जरूरत पड़ गई, न्यू एक्सेल शीट की, तो कंट्रोल के साथ एन बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे न्यू वर्कशीट जो है ओपन होकर आ जाएगी और इसमें एकदम न्यू तरीके से जो वर्क किया जा सकता है। अगला शॉर्टकट की है मेरा ओपन का, कंट्रोल प्लस ओ करिएगा तो ओपन बॉक्स आएगा, यानी जो डेटा मेरा पहले से सेव करके रखा गया है वो रिसेंट में ये सब दिखा रहा है, अगर अदर कोई करना है तो ब्राउज करेंगे, इसमें मैं क्लिक कर लूंगा तो वही डेटा ओपन होकर आ जाएगा जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अगला शॉर्टकट की होता है मेरा प्रिंट का, तो कंट्रोल बटन के साथ पी बटन प्रेस कर देंगे तो ये प्रिंट प्रीव्यू लेकर आ जाएगा। तो कंट्रोल पी से क्या किया जा सकता है, प्रिंट निकाला जा सकता है, और बहुत सारी प्रिंट सेटिंग आपको बता के और रखी गई है पिछली वीडियो में, तो आपको नोटिफिकेशन आपको जो है वो वीडियो जाकर देख लेनी है, अच्छे से आपको डिटेल नॉलेज पता चल जाएगा। अगला शॉर्टकट की है मेरा क्विक एनालिसिस का, तो क्विक एनालिसिस का मतलब ये है जैसे मेरा डेटा ये बनाया गया है और इस डेटा का मुझे क्या बनाना है, टेबल बनाना, मतलब मान लीजिए इस डेटा को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल क्यू अगर हम प्रेस कर दें यहाँ पे क्विक एनालिसिस आ जाएगा, जैसे फॉर्मेटिंग आ गया तो जो भी फॉर्मेटिंग मुझे अच्छा लग रहा है उसी पर क्लिक कर दूंगा, उसी के अनुसार आ जाएगा। अगर चार्ट मुझे जनरेट करना है तो यहाँ पे बहुत सारे चार्ट मिल जाएंगे और जो ही मैं क्लिक करूंगा एक चार्ट बनकर आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये इतने तेजी से कार्य करता है इसलिए इसका नाम रखा गया क्विक एनालिसिस। अगला शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस आर का, तो कंट्रोल प्लस आर का मतलब होता है राइट फील, जैसे कंट्रोल डी करके मैं डाउन साइड फील करता हूँ उसी तरीके से कंट्रोल आर करूंगा तो राइट साइड फील हो जाएगा, सेम चीज राइट साइड फील करते चला जाएगा। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा जाए कुछ, मैंने लिख दिया यहाँ पे राम, ठीक है, और राम लिखने के बाद जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ऐसे राइट साइड मैंने सिलेक्शन कर दिया तो कंट्रोल आर करेंगे तो राइट साइड वही फील होता चला जाएगा। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एस, तो कंट्रोल प्लस एस से यू होता है जो डेटा मैं तैयार किया हुआ हूँ उसको अगर मैं सेव करना चाहता हूँ तो सेव कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई भी डेटा आप तैयार करेंगे और कंट्रोल एस करेंगे तो सेव बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कंट्रोल एस करेंगे तो यहाँ पे सेव होने के लिए बॉक्स रेडी हो जाएगा। अगला शॉर्टकट की है मेरा टेबल का, जो मैं पिछली वीडियो पिछला शॉर्टकट की बताया कंट्रोल एल का, जो भी मेरा डेटा है अगर उसको टेबल फॉर्मेट में बदलना चाहता हूँ इस डेटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी कर दूंगा और इंटर कर दूंगा तो मेरा नॉर्मल डेटा जो है एक ग्राफिकल व्यू के रूप में आ चुका है। अगला शॉर्टकट की होता है अंडरलाइन का, तो ये डेटा मान लीजिए मेरा बनाया गया और इस डेटा में और डेटा को मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे प्रेस कर लेना कंट्रोल यू, तो हर एक टेक्स्ट के नीचे जो है आपको अंडरलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा सा इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, देख सकते हैं सबके टेक्स्ट के नीचे क्या हो चुका है, अंडरलाइन आ चुका है। अगला शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस वी का, तो कंट्रोल प्लस वी से होता है पेस्ट, जैसे मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया और कंट्रोल सी कर लिया तो ये डेटा मेरा कॉपी हो चुका है और जहां भी इस डेटा का डुप्लीकेट मैं तैयार करना चाहता हूँ कंट्रोल वी कर दूंगा, सेम डेटा यहाँ पे डुप्लीकेट होकर आ जाएगा। अगला शॉर्टकट की मेरा है कंट्रोल प्लस डब्लू का, तो कंट्रोल प्लस डब्लू का जो होता है वो क्लोज वर्कशीट होता है, अगर मैंने कंट्रोल डब्लू कर दिया तो पूछ रहा है कि जो मैंने काम किया इसको सेव करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया डोंट सेव कर दिया तो ये डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा पूरी तरीके से और क्लोज होकर पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी मेरा एक्सेल एप्लीकेशन क्लोज नहीं होता है लेकिन जिस वर्कशीट पे मैं कार्य करता हूँ वो पूरे वर्कबुक को ही क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। अगला चीज यहाँ से मैं कोई और डेटा ओपन कर लेता हूँ क्योंकि वो चीज हो चुका है क्लोज। अब यहाँ पे करने के बाद अगला शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एक्स का, तो कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करना हो तो कंट्रोल एक्स से कर लेते हैं डेटा को कट, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स मैंने प्रेस किया
अब ये डेटा मेरा यहाँ पे ना रहे, यहाँ पे आ जाए तो मैं कंट्रोल भी कर दूंगा। तो देख सकते हैं मेरा डेटा पहले जगह पर अब नहीं है, दूसरे जगह पर तैयार होकर आ चुका है। अगला शॉर्टकट की होता है मेरा कंट्रोल प्लस वाई का। तो कंट्रोल प्लस वाई से होता है रिडू। अगर मैं कंट्रोल वाई करता हूँ तो जितना मैं पीछे गया रहूंगा उतना मैं आगे जा सकता हूँ। उसके पहले मेरा शॉर्टकट की यूज करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस जेड, जो अंडू का शॉर्टकट की होता है। अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो जितना मैं आगे गया था उतना मैं पीछे जा सकता हूँ। तो कंट्रोल जेड करके स्टेप बाय स्टेप आप पीछे चले गए, और फिर आप उतना आगे जाना चाहते हैं तो फिर आप कंट्रोल वाई करिएगा, फिर जो बैक हुआ था फिर वो चीज आ जाएगा। तो कंट्रोल जेड से क्या कर सकते हैं, अपने काम को पीछे लेकर जा सकते हैं, कंट्रोल वाई से फिर उतना ही आगे जा सकते हैं जितना मैंने पीछे गया था। तो इस वीडियो में आपको बताया गया है अल्फाबेट ए टू जेड, जो भी शॉर्टकट की आपके एक्सेल में यूजफुल होते हैं उसको बताया गया। तो यदि मेरी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा कैसा लगा मेरे वीडियो। और मेरी चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।